हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए, पिछली क्लास में हमने किया था किरचॉफ्स ला को अप्लाई करना सीखा था कुछ सर्किट्स पे। आज हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? ये एक्चुअल में चार रेजिस्टेंस की एक अरेंजमेंट है, और उनको हम किस तरह जोड़ते हैं? एक तरह से ये मान लीजिए एक ब्रिज की तरह जोड़ देते हैं, लाइक ए ब्रिज। फोर रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस की एक अरेंजमेंट है जिसको हम लाइक ए ब्रिज जोड़ देते हैं। ये हमने लाइक ए ब्रिज इनको जोड़ दिया है, ठीक है। अब हमारे पास बीच में, बिल्कुल बीचों बीच एक हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट पता करने के लिए होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? इन चार रेजिस्टेंस में से तीन रेजिस्टेंस हमारे नोन होते हैं, एक रेजिस्टेंस हमारा अननोन होता है। क्या समझे? तीन रेजिस्टेंस हमारे नोन होते हैं, जो नोन रेजिस्टेंस है वो हमारे पी क्यू आर, ये तीनों हमारे नोन रेजिस्टेंस हैं। इन तीनों की मदद से हम इस फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकालते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट है जो क्या काम आती है हमारे पास, जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, अननोन हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के काम आती है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जो हमारे पास अननोन हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के काम आती है। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अननोन रेजिस्टेंस है हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, ये अननोन है, ठीक है। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, पी क्यू आर, ये वैल्यू हम अपनी तरफ से रेजिस्टेंस को पिक किया लगाया, रेजिस्टेंस को पिक किया लगाया, तीनों जगह लगाया। एक जोड़ देते हैं बैटरी। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी, क्लियर। ये हमने जोड़ दी एक बैटरी, ये लीजिए। ये अरेंजमेंट कहलाता है हमारा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें पी क्यू आर, ये हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। एस अननोन, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इस एस की हमें वैल्यू चाहिए, अननोन हाई रेजिस्टेंस। हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? पी क्यू आर को लगाते जाएंगे, करंट फ्लो करेंगे, PQR को चेंज करते जाएंगे, करंट फ्लो करेंगे, PQR को चेंज करते जाएंगे, करंट फ्लो करेंगे। जहां पर भी हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे देगा, क्या दे देगा? जीरो रीडिंग, वहां पर हम रुक जाएंगे, वी विल स्टॉप देयर, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं एक बार। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस आउट ऑफ विच थ्री आर नोन एंड वन इज अननोन, हूज वैल्यू वी डिटरमाइन। जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे? हम निकालेंगे। यहां पर एस हमारा अननोन है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क। प्रिंसिपल क्या है भाई इसका, ठीक है। ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस। A Wheatstone bridge is called balanced. एक Wheatstone bridge को हम balanced कहते हैं कि it is a balanced Wheatstone bridge. कब? When P by Q is equal to R by S. जब हमारे पास ratio of P by Q will be equal to R by S,
उस कंडीशन में हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इन दैट कंडीशन, ये लाइन है इंपॉर्टेंट, इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में नो करंट विल फ्लो फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ये है असली कंडीशन। जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, व्हेन आवर व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, देन देयर विल बी नो करंट फ्लो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये लाइन में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा आपका, और P by Q is equal to R by S हो जाएगा। PQR हमारे क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, S अननोन, फिर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज फोर रेजिस्टेंस की एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम अननोन हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है जब P by Q is equal to R by S। अब हम इस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे, क्या करेंगे प्रूव, चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ द बैलेंस्ड कंडीशन। इसको बैलेंस्ड कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन भी बोलते हैं। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का प्रूफ, प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, अभी हमने लिखा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब P by Q is equal to R by S। तो हमने चार रेजिस्टेंस लिए, P, Q, R हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, नाम दे दिया मैंने A, B, C, D। एक बार करंट देखिए कैसे चलेगा, यहां से प्लस टर्मिनल से करंट चला I, क्लियर, करंट को आगे दो रास्ते मिले, दो रास्ते मिले तो इधर चला गया आई वन और इधर चला गया आई टू, कोई दिक्कत है, आई टू नीचे डी पर आया, आई वन इधर गया, यहां इसको दो रास्ते मिले, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में से गया आई जी, तो इधर हमारे पास क्या बन गया, आई वन माइनस आई जी, यही बनेगा। आई वन में से क्या हुआ है, IG तो इधर चला गया, तो इधर क्या बच गया, I1 माइनस IG, ये नीचे आया I1 माइनस IG और ये आया I2, इधर से I2 आया, इधर से IG आया, यहां मिल गए, यहां मिलकर बन गए हमारे पास I2 प्लस IG, कोई दिक्कत है और अब आप C पॉइंट पर मिलेंगे, इधर से आया I2 प्लस IG, किस में से, S में से I2 प्लस IG, इधर से आया कौन सा, आई वन माइनस आई जी, दो करंट आ गए, एक तो आ गया आई वन माइनस आई जी, क्लियर, और एक आ गया आई टू प्लस आई जी, ये दोनों सी पर आकर एड हो गए, इनको एड करेंगे, आई जी से आई जी कैंसिल, क्या बच गया आई वन प्लस आई टू, आई वन आई टू वापस क्या बन गए, आई, क्लियर, आई वन और आई टू वापस क्या बन गए, आई से। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया है कि करंट का हमने क्या कर दिया है, इन ब्रांचेस में हमने करंट को डिवाइड कर दिया। एक बार फिर से बता दें, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, लेट अस डू इट अट वंस अगेन, एक बार फिर से करते हैं फटाफट से जल्दी से। चार रेजिस्टेंसेस थे हमारे पास, पी क्यू आर, ठीक है, बीच में हमने लगाया था गैल्वेनोमीटर, यहां लगा दी हमने बैटरी, इस बैटरी को यहां जोड़ दिया, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट चला आई, दिस इज आवर पी, दिस इज आवर क्यू, दिस इज आवर आर, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस एस, आई को दो रास्ते मिल गए, एक आई वन एक आई टू, डिवाइड हो गया, I2 यहां पहुंचेगा, I1 को आगे फिर दो रास्ते मिल गए, तो इधर चला गया मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में से IG, तो इधर बच गया I1 माइनस IG, ठीक है,
आई थ्री इधर नीचे आया, इधर से आई टू आया, यहां मिल गए, यहां चला गया हमारे पास आई टू प्लस आई जी, ठीक है। आई वन माइनस आई जी इधर गया, आई टू प्लस आई जी इधर गया, आई जी कैंसल, आई वन प्लस आई टू वापस आई। दिस इज अवर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। प्रूफ करना हमें प्रिंसिपल का, सबसे पहला काम अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड सर्किट ए बी डी ए। हम इसमें अप्लाई करेंगे ए बी डी ए में, कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इससे पहले एक चीज रिज्यूम कर लेते हैं, क्या? लेट G is the resistance of galvanometer. इस galvanometer का resistance भी हमने G मान लिया, क्योंकि current गुणा resistance, voltage तो बनेगी, बनेगी ना। चलिए अब apply करते हैं। Apply Kirchhoff's voltage law in a circuit A B D A, A B D A। हमने कहा था करंट के साथ साथ चलो वोल्टेज, जहां रेजिस्टेंस आ जाए गुणा कर दीजिए, यहां से चले रेजिस्टेंस आ गया P, करंट कितना है I1, करंट गुणा रेजिस्टेंस वोल्टेज बन गई I1 P। यहां आ गए नीचे आए भाई, करंट है IG, इसका रेजिस्टेंस है G, क्या बन गया IG इंटू में G। हम भी इस तरफ, करंट भी इस तरफ, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन, प्लस आई जी इंटू में जी। हम नीचे उतर गए भाई, आ गए डी पर, डी से चले वापस, वापस सामने आ गया करंट आई टू रेजिस्टेंस आर, तो वोल्टेज बन गई आई टू इंटू में आर, लेकिन करंट इस तरफ हम उल्टा, डायरेक्शन उल्टी सुल्टी, तो क्या आ जाएगा माइनस और शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। Now apply KVL in BCDB। इसमें apply करते हैं BCDB में apply कर देते हैं, करते हैं? चलिए B से C तक गए, current है I1 minus IG, voltage sorry resistance है Q, तो क्या आ जाएगा I1 minus IG into में क्यू। सी पे गए भाई, सी से वापस नीचे आए, अब करंट उल्टा हो गया, हम इस तरफ आ रहे, करंट उल्टा हो गया तो माइनस का साइन, करंट है आई टू प्लस आई जी, रेजिस्टेंस है एस, तो करंट गुणा रेजिस्टेंस वोल्टेज बन गई, ये बन गया हमारा आई टू प्लस आई जी इन टू में एस, ठीक है। अब बी से वापस बी तक गए, हम उल्ट इस तरफ, करंट नीचे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। बोलिए यहां तक ठीक है? अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अभी हमने कहा था व्हेनेवर द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड तब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा, हमने किया था ना, अभी हमने पढ़ा था, क्लियर है? बताया था प्रिंसिपल में के भाई बैलेंस कंडीशन में व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट विल फ्लो फ्रॉम गैल्वेनो, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समझने की चीज है, क्या बनेगा? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो आई जी विल बी इक्वल टू जीरो, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। हेंस इक्वेशन वन विल बिकम, इक्वेशन वन चेंज हो जाएगी,
क्या होगी देखते हैं। आई वन इन टू में पी, आईजी की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू में जी जीरो, ये टर्म होगी जीरो प्लस जीरो माइनस आई वन इंटू में आर इज इक्वल टू जीरो। माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई वन इंटू में पी इज इक्वल टू, सॉरी ये आई टू है, आई टू आई टू इंटू में आर, आई टू आर। इक्वेशन नंबर थ्री, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर। इक्वेशन नंबर थ्री बिटा दू, ये लीजिए इक्वेशन वन, ये चेंज लगेगी। एंड इक्वेशन टू विल बिकम, आई जी जीरो करना है तो इक्वेशन टू क्या हो जाएगी, ये देखते हैं। ये आई जी जीरो, आई वन इंटू में क्यू माइनस, ये आई जी जीरो, आई टू इंटू में एस, ये आई जी जीरो, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस तरफ ले गए, आई वन इंटू में क्यू विल बी इक्वल टू आई टू इंटू में एस। इक्वेशन नंबर फोर, डिवाइड थ्री बाय फोर। इक्वेशन थ्री को फोर से डिवाइड कर दीजिए, आई वन पी अपॉन आई वन क्यू विल बी इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस। आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, क्या आ गया, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, आ गया क्लियर। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, पी क्यू आर तो नॉन है हमारे, S की वैल्यू चाहिए, S विल बी इक्वल टू Q इंटू में R बाय P। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन हाई रेजिस्टेंस S बाय द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बोलिए, तो दिस इज अवर व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले लेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल को कैसे सोल्व करें, जो सीरीज पैरेलल से सोल्व नहीं होते उन पे किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएं, जो किरचॉफ्स लॉ से सोल्व नहीं होते उन पे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे लगाएं, इन सब को सोल्व करके नेक्स्ट हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंसेस को सोल्व करने के, सीरीज पैरेलल को अलग अलग तरीके से सोल्व करने के तरीके ढूंढेंगे और उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए।